आगे बढ़ते हैं, दूसरी बड़ी खबर आप जानिए। स्पैम कॉल से राहत देने वाली ये खबर है जो आपके काम की खबर है। मोबाइल नंबर से टेली मार्केटिंग पर अब कटेगा कनेक्शन। टेली मार्केटिंग में मोबाइल नंबर इस्तेमाल की अनुमति अब नहीं दी गई है। पहली शिकायत पर मोबाइल कनेक्शन काट दिया जाएगा, ये जानकारी मिल रही है। ऐसे स्पैम कॉलर्स को लेकर जिनसे आप परेशान रहते हैं, ऐसी कॉल से आपको राहत मिलने वाली है, राहत देने वाली खबर। मोबाइल नंबर से टेली मार्केटिंग पर कनेक्शन कट जाएगा। टेली मार्केटिंग में मोबाइल नंबर इस्तेमाल की अनुमति को लेकर यह जानकारी है। पहली शिकायत पर मोबाइल कनेक्शन काट दिया जाएगा, यानी स्पैम कॉल से अब आपको राहत मिलने वाली है। ऐसे कई स्पैम नंबर्स रहते हैं, ऐसे कई स्पैम कॉल्स आपको आते हैं जिससे आप दिन भर परेशान होते हैं। कई बार जब कॉल मिस हो जाती है और आप उसे चेक करते हैं कि किसका नंबर है, तो वो स्पैम रिपोर्ट्स में सामने आता है। कई लोगों ने उसको लेकर रिपोर्ट की होती है कि स्पैम नंबर है। यानी किसी भी तरह से परेशान कॉलर्स को करना, जो सर्विस प्रोवाइडर से जुड़े हुए लोग हैं, यानी कि जो मोबाइल यूजर्स हैं, उन्हें अलग अलग तरीके से कॉल्स परेशान करती हैं। मोबाइल नंबर से टेली मार्केटिंग पर कनेक्शन कट जाएगा, ये राहत की खबर है उन सभी लोगों के लिए जिन्हें स्पैम कॉल से परेशानी होती है। पहली शिकायत पर मोबाइल कनेक्शन काट दिया जाएगा, स्पैम कॉल से राहत अब आपको इस तरीके से मिल जाएगी। मोबाइल नंबर से टेली मार्केटिंग को लेकर अनुमति से जुड़ी ये खबर है जिसमें स्पैम कॉल से अब आपको राहत मिलने वाली है, क्योंकि मोबाइल नंबर से टेली मार्केटिंग अगर कर जाएंगे तो फिर कनेक्शन आपका काट दिया जाएगा। ऐसी पहली ही शिकायत जब आपके नंबर के खिलाफ होगी तो आपका कनेक्शन काट दिया जाएगा। यानी कि अलग अलग मोबाइल नंबर से जो टेली मार्केटिंग के लिए आपके पास कॉल्स आते थे या आप उनसे परेशान रहते थे, पहली ही शिकायत पर ऐसे मोबाइल कनेक्शन काटने की बात सामने आ रही है, जिससे कुल मिलाकर राहत की खबर उन लोगों के लिए जो स्पैम कॉल से परेशान रहते हैं या ऐसे नंबर को लेकर वो रिपोर्ट करते हैं। आगे बढ़ रहे हैं, बड़ी खबर अब